नमस्कार जी मामटी साहब। एक मिनट आ रहा है, पूजा कर रहे हैं मामटी साहब। मनवा लागे बांक बीड़ी रोमंडल कसे आगे, बांक मरी मऊते जी बागे, बांक एके तो कुकर सेवनियों भरागे। नमस्कार मामटी साहब, चरण बंदे। कैसे गंदे चरण? गंदे नहीं अपना धोए अभी मैंने साबुन से। अरे बांक गंदे नहीं मामटी साहब, बंदे। आप कान की मशीन लाओ सबसे पहले। आराम मजाक कराऊ मैंने, लगा ली है चरण बंदे। यार बहुत बहुत बढ़िया, बस तेरी उम्र भी मेरे को लग जाए। हैं? उन्हें नहीं यार, क्या बोलते हो, मेरी उम्र भी तेरे को लग जाए। उन्हें नहीं, नहीं, नहीं मामटी साहब, कोई जरूरत नहीं है। अब 2 4 दिन ज्यादा जी के भी क्या हो जाना। कौन ले आएगा साथ में, आड़ी टेढ़ी शक्ल के साथ में। ये यार दोस्त जी अपने कहते मामटी साहब से मिलना है। मैंने कहा चलो मिलाते। अच्छा, तो ठंडा पीना कि गरम है? पहली बार बोला मामटी साहब ने किसी को, ठंडा गरम पहली बार पूछा है। मामटी साहब ऐसा करो ना, आप ठंडा गरम दोनों ले आओ। अच्छा दोनों? और सुने यार लड़का मेरा, हाँ जी, ऐसा करना, फ्रिज से ले आ ठंडा पानी और गीजर से ले आ गर्म पानी और दे इनको। बड़ा मजाक कर रहा हूं मैं, चाय पिलाता हूं मैं तुम्हारे को बाद में ना। अभी बात तो करो, मर रहे तुम बगैर चाय। तो यार अब मैंने पूछा नहीं तेरे से, तू काम क्या करता है? मामटी साहब मैं इग्नोर करता हूँ जी। इग्नोर? क्या करता है इग्नोर? यही काम करना। तो मामटी साहब ये हमारे दमी राम जी, तो इनसे बात करो जरा, एक बात करना चाहते हैं आपसे। नमस्कार जी। नमस्कार महाराज जी, महाराज अच्छा तो कैसे आना हुआ? बोले पारो आ रो, हमें तो पारो जांगड़ो के आ रो, ऐसे दौड़ दौड़ आ रो, भालू बे हो इंदे आजकल, आ तो ये आ रो हमें। रुको रुको, ऐसा है ना, ये पहाड़ी नहीं बोलनी पूरी, लोग ना समझते नहीं है। हाँ हिंदी में बोलना। हिंदी? ना ना ना, हिंदी हिंदी बोलू हाँ, हाँ हिंदी। पारो आ रो हमें से जांगड़ो के आ रो, ऐसे दौड़ आ रो, फटाफट दौड़, एक तो भालू ना खा। हिंदी ये कौन सी हिंदी है? वो यार हिंदी में बोलना है, हिंदी में। बोली हूँ, बोलू हूँ हिंदी। पारो आ रहा हमें ना से जंगलों के आ रहा, तो दौड़ आ रहा, तो भालू ना खा के। हिंदी यार बंदा है तू कि बंदर है मेरे यार, तेरे को उतना बोल, हिंदी में बोल। बोली हूँ, बोलू हूँ हिंदी। पारो आ रहा हमें ना, यार क्या बंदा ले आ साथ में तू? नहीं, मैं बोलता हूँ इनको, जनाब चुप हो जाओ, नहीं तो घर से बाहर बिगड़ते ही। चल इसको रहने दे रहा। एक कौन है लड़का? ये छोटा भाई है जी मेरा है। ओ नमस्कार मामटी साहब। नमस्कार, और सुना बेटा? अच्छा सुनो, बैलमा है? किसकी माँ? अरे मामटी साहब बैलमा। अच्छा, बैलमा। ना ना बेटा, हमारे पास नहीं है, देख हम तो दूध भी खरीद के करते हैं, हमारे पास नहीं है। हैं? दूध? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? गाय यार है, गाय नहीं है हमारे पास, अब बैल की मां तो होती है गाय। अरे मामती साहब वो बैल माँ, बैल माँ सुट्टा सुट्टा, सुन मेरी बात, सुट्टा उठा और फुट्टा। मैंने तो देखा यहां सोठा, एक पड़ेगा तो बंदा पुट्ठा। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ मामटी साहब, आपसे माफ कर दो जी इसको। बंदा यार क्या है ये, है सूटा पीने की बात कर रहा है मेरे साथ। माफ कर दो मामटी साहब, माफी मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। तुम्हारे को पता है आजकल यार क्या हुआ मेरे साथ? कल कल मेरे को गांव में एक बंदा मिल गया। हाँ बीच गांव में। मैंने कहा रहा तू तो बड़े टाइम बाद मिला, तू तो काला होता था, तू तो बड़ा चीटा हो गया है। चीटा बोला था मेरे को तो मार मार के फुटबॉल बनाया लोगों ने। तब मेरी समझ में आया, अरे चिट्टा तो बड़ी गंदी चीज है, बड़ा बुरा नशा है तो। हाँ जी मामटी साहब, ये चिट्टे ने तो बुरे हाल कर दिए देखो सबके। और क्या, ऐसा भी क्या नशा करना रहा जिसमें पर ही जाए आदमी। ये चिट्टे चुट्टे में नहीं फंसना, मैंने सबको बोल दिया, तुम्हारे को जो देख रहे हैं तुम्हारे को ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ मामटी साहब देखो, नशे में खर्च करना उससे अच्छा अच्छी चीज लो ना, अच्छी अच्छी चीजें तो टीवी में दिखाते हैं। अब जैसे टोपी देखो, एड आई हुई है इसकी टीवी में, तब ली मैंने। ये बिस्कुट लाया हूँ आपके लिए, ऐड आई हुई इसकी, ये लो। हाँ जी, मेरे चश्मे देखो आप, ऐड आई हुई इसकी। बांक
एक बात बोलता हूँ मैं तुम दोनों को, समझे? एडाई बेस की, एडाई बेस की, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये तो हीरो वगैरह ऐसे ही बेचते रहा है, एड जो टीवी में आती है वो अच्छी थोड़ी होती है, ये तो बेवकूफ बनाते सारे। मतलब एड देखो तुम कैसे कैसे आती है, अजय देवगन नहीं आता उसमें, वो एक में मेरी बोली केसरिया, मेरी बोली केसरिया। 5 रुपए के गुटके में इतना केसर दिखाते जितना पूरा कश्मीर में नहीं है, बेवकूफ बनाते सारे। बिल्कुल सही बोल रहे मामटी साहब, और क्या, दाने दाने में केसर का दम। इसका बोलना चाहिए दाने दाने में कैंसर का दम, हर कुछ गलत है। एड आई एस की, एड आई एस की, दिमाग खराब किया है, हर कुछ दिखाते यार। एक आते हो क्रीम वाले, एंटी पिंपल, एंटी रिंकल, एंटी शिंकल, फिंकल, ठिंकल, अब नई नई छोड़ते रहते सर, अभी उन्होंने नई छोड़ी एक एंटी पोल्यूशन, बोलो भाई क्रीम से जाता है पोल्यूशन? तो फिर ये दिल्ली वाले बेवकूफ है जो यार ऑड इवन के चक्कर में फंसे हुए बेचारे, तब तो इनको भी वो क्रीम ली वही लगानी चाहिए इंजन में, वही डालनी चाहिए तेल की टंकी में भी, जो पोल्यूशन ना हो। अभी बोलता हूँ बेटा समझो इस बात को, तो ऐसे ही बेवकूफ बनाते यार। एड आई वेस की, एक वो आते सारे वो रेजर वाले, क्लोज शेव, क्लोजेस्ट शेव, मोस्ट क्लोजेस्ट शेव, कितनी क्लोज है रहा, इतनी क्लोज कि दादा को शेव करे तो पोते को करनी ना पड़े, हैं? बेवकूफ बनाते सारे। नहीं, मैं समझ गया ममटी साहब, अब ये एड उड़े ना फिल्म वाले ऐसे दिखाते हैं, खुद तो ये यूज करते नहीं इसको। मेरा तो ऐसा बड़ा बेवकूफ बना ना, एक बार एक ऐड आती है सर, यो सेंट जी आए सेंट लगाते आती है लड़कियां, कोई दीवार फाड़ के छत फाड़ के 10-12 लड़कियां आ जाती है, इस चक्कर में मैंने भी ले लिया। फिर आई लड़कियां? नहीं यार, लड़की आई बस वहा चूल्हे की, मैंने 6 सांस ली और मैं लगातार लगातार अपने को देखता भी रहा बाहर, मैंने कहा कहीं कुत्ता वगैरह ना खाए उसको अगर आ जाए कहीं, वहां नहीं आया कोई ना रहा, ऐसा लू भी इतना खर्चा हो गया मेरा, ऊपर से नाक बंद हो गया और सेंट से। नहीं, ठीक बोले जी आप, बिल्कुल ठीक है, एड उड के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता, ये तो पैसे कमाने के होते हैं अपने। हाँ तो बेटा इसलिए समझा रहा हूँ, इस चक्कर में नहीं पड़ना, एड आई इसकी, एड आई इसकी। वो छोड़ रहा है बातें, तुम चाय पीते हो सुने रहा? चाय आ गई रहा, चाय आ गई, बहुत बढ़िया चाय है ये। एड आई इसकी टीवी में।